परिवार सुखी होने के लिए पति पत्नी ने यह पांच चीजें कभी नहीं करना चाहिए। क्या आजकल का जमाना इतना फास्ट हो गया है? एक दूसरे को लोग ऐसा लगता है कि पति पत्नी बहुत करीब है, बहुत एक दूसरे के ऊपर प्यार करते हैं, अपने स्टेटस डालेंगे फेसबुक के ऊपर, बता देंगे कि हम कितना करीब है, कहाँ घूम रहे फिर रहे। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक घर में रहने के बावजूद भी उनका डिवोर्स हो गया, इतने एक दूसरे से दूर हो चुके हैं या दूर हो गए हैं। रहते एक घर में है, एक छत के नीचे रहते, मगर प्यार बिल्कुल ही नहीं है और बस रह रहे क्योंकि रहना पड़ रहा है, हैव टू, मतलब करना ही पड़ता है करके रह रहे, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो ये जो पति पत्नी का जो मतलब एक दूसरे जमना नहीं है या प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें हो रहा क्या है? मैं आपको पांच चीज़ें बता रहा हूँ, यदि वो हम टाल देते हैं तो पति पत्नी का जो संबंध है अच्छा रहेगा, खुशी रहेंगी घर में, खुशी का वातावरण रहेगा और परिवार बहुत ही सुखी हो जाएगा। नंबर एक, मैं बराबर और तुम गलत, यहाँ से बर्ताव करना। पति या पत्नी दोनों भी, उनका स्वभाव कभी किसी का ऐसा रहा कि मैं सही हूँ और तू गलत है, और राइचियसनेस है बहुत, राइचियसनेस मतलब कि मैं जो बोलता हूँ मेरी मुर्गी की एक ही टांग, मैं बोलूँगा वैसे ही होना चाहिए, मैं बोलता वैसा करना चाहिए। तो फिर उसमें क्या होता है कि बहुत लोगों को तकलीफ हो जाती है, घर के लोगों को, कि उनको मालूम है कि यह गलत है, तभी भी बोलेगा नहीं मैं बोलता हूँ ऐसे ही करना है, और फिर पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो फिर मैं बराबर है और तुम गलत है, यह जहाँ जहाँ है लोग, मतलब वो पति या पत्नी दूसरे का सुनने को तैयार ही नहीं है, मैं जैसा बोलता हूँ ऐसे ही घर चलना चाहिए ऐसा उनको लगता है। फिर यह परिवार में एक पार्टनर ने यदि शांति रखी तो परिवार चलेगा, दोनों भी वैसे रहेंगे तो झगड़ा होकर डिवोर्स हो जाएगा। दूसरा, काफ़ी सारी अपेक्षाएं रखना, उम्मीदें रखना। जब एक दूसरे से काफ़ी सारी अपेक्षा उम्मीदें हैं कि मैं घर पे आऊँगा तो मेरे पत्नी ने मुझे गर्म खाना देना चाहिए, हंस के मेरा स्वागत करना चाहिए, मेरा फ़ोन कभी भी उठाना चाहिए, या पत्नी की ऐसी अपेक्षा है कि मुझे मेरे ऊपर कम से कम 5-10 हज़ार रुपये महीना पति ने खर्चा करना चाहिए, मुझे नए नए ड्रेस लाना चाहिए, जल्दी से जल्दी मैं जब बोलूँ तो फ़ोन उठाना चाहिए, मैं जो बोलूँगा वो काम करना चाहिए, मतलब ऐसी अपेक्षा है जिससे बहुत है, और अपेक्षाएं यदि पूर्ति नहीं हुई, उम्मीदें पूर्ति नहीं हुई, तो फिर एक दूसरे में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ ऑल क्वारल्स, ऑफ ऑल डिस्टर्बेंसेस, ऐसा कहा जाता है। तो उम्मीद ही नहीं है, जैसा है वैसा है, जैसा नहीं है वैसा नहीं है, तो फिर झगड़ा होगा नहीं और खुशी होंगी घर में। तीसरा जो है कि एक दूसरे के ऊपर शक करना। क्या होता है कि कुछ भी ऐसा हो गया और पति, क्या होता है, पत्नी घर में है दिन भर, काम नहीं कर रही है, मतलब घर का काम करती है, बाकी ऐसा हाउसवाइफ है, बाहर काम नहीं करती है, पति काम के लिए बाहर जाता है, घर में अकेली अकेली है, दिन भर अकेली है। अभी इसके घर में वो टीवी देखते देखते, टीवी के मालिक का देखते देखते पति के बारे में कुछ ना कुछ भलते सलते विचार आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसमें ही और कोई उसकी सहेलियाँ होंगी, वो कुछ उसके दिमाग में डाल देंगी, देख भाई तू ऐसा कर वैसा कर, देखो आजकल कोई किसका भरोसा नहीं है, पति को चेक करते जा, तो वो शक करना शुरू कर देती है। फिर पति को फ़ोन करना, जल्दी फ़ोन नहीं उठाया तो चिल्लाना, गुस्सा करना, या फिर शक करते जाना बार बार कि तुम लेट क्यों हुए, इतने बजे क्यों नहीं आए, या फिर पति ने भी शक करना कि घर में दिन भर ऐसी रहती है तो ये क्या करती होंगी, किससे बात करती है, शादी के पहले तेरा कोई दोस्त था क्या। फिर पत्नी का मोबाइल चेक करना, उसका स्टेटस चेक करना, या उसने कौन से मैसेजेस भेजे, किसको किसके कॉल आए, ऐसा यदि शक करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। चौथा जो है कि मैं यानी एक दूसरे की चिंता नहीं करना, फिक्र नहीं करना कि भाई दूसरे को चाहिए क्या, उसको क्या ज़रूरत है, वो ना करते हुए सेल्फिशनेस कि मुझे जो चाहिए वो मेरे को करके दे, दूसरे की चिंता ही नहीं करना, दूसरे को क्या चाहिए। जब साथ में रह रहे हैं तो एक दूसरे को पूछना है, उसकी केयर करना है, उसको क्या लगता है क्या लगता नहीं, बीमार है, मूड ठीक नहीं है, मतलब हुआ क्या। जैसा समझो पति घर में आता है तो दिन भर पत्नी अकेली घर में है, या बच्चों के साथ में बहुत तंग आ गई है, तो भी उसको क्या चाहिए, तो उसको बोलता करना, मतलब उसको उसकी सुनना, या पति बाहर रहता है काफ़ी टेंशन आया होगा, घर बाहर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो घर में आने के बाद में तुरंत चालू नहीं करना उसके ऊपर कि ये होना वो होना ऐसा, तो चिंता नहीं करना एक दूसरे की दुनिया नहीं जानना, ये एक प्रॉब्लम है। पाँचवा जो है कि बच्चों में शिस्त न लगाना, अनुशासन नहीं लाना, और जब बच्चों में अनुशासन नहीं है, घर में अनुशासन नहीं है, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बच्चों को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें माँ ने नहीं बोली तो वो पिताजी की तरफ जाएंगे, पिताजी ने बोली तो माँ की तरफ जाएंगे, दोनों ने बोला दादा दादी की तरफ जाएंगे और अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, या बच्चे जो भी बोलते हैं वो उनको देना, जो भी बोलते हैं वो देना, तो जैसा जैसा वो
मांग करते हैं, डिमांड करते हो, तुरंत लाके दिया, तो उनका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो है रहता नहीं है। और फिर धीरे 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 बच्चा ऐसा हो जाता है कि जो मांग दिया वो दिया नहीं तो वो चिल्लाना चीखना चालू कर देता है, माँ बाप के ऊपर गुस्सा करना मारना, और वो घर में अशांति हो जाती है। और फिर एक दूसरे के बीच में कॉम्पिटिशन हो जाती है, वो भी कहीं जगह पर दिखाई देता है कि पॉपुलर कौन है बच्चों में। तो माँ ने नहीं बोला तो पिताजी ला के देंगे, पिताजी ने बोला तो माँ ला के देंगी, कि बच्चों को दुखाना नहीं है और पॉपुलर कौन है दोनों में, ऐसी कॉम्पिटिशन, फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ऐसी ये चीज़ें हैं यदि हम नहीं करते हैं और इनसे हम दूर रहते हैं, जैसा मैंने बताया कि भाई उम्मीदें नहीं रखना, या मैं सही तू गलत है, या शक करना, या विश्वासघात करना एक दूसरे का, मतलब शक करना अलग बात है और विश्वासघात भी करना, कि भाई हमने जब शादी किया तो पूरा एक दूसरे को विश्वास दिलाया है कि मैं आपके साथ में आजन्म रहूँगा और खरा उतरूँगा, विश्वास एक दूसरे का हासिल करूँगा, और जब साथ फेरे लिए है तो उसमें वो वहाँ एक दूसरे को वचन दिया है, तो अभी विश्वासघात नहीं करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उसके साथ साथ एक दूसरे की चिंता नहीं करना और अनुशासन प्रियता घर में लाना, यदि चीज़ें हम लाते हैं या ये चीज़ों के विपरीत करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम घर में होगा। और ये चीज़ें हम करते हैं तो एक सुखी परिवार, आनंदी परिवार वो हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।